आ गई मुसीबत, हे भगवान बचा लेना। सर्वेश के इतना बोलते ही शिमोना उसके करीब आती है और उसके कान के एकदम करीब आकर कहती है, आखिर आ गए तुम मुझे लेने, मुझे पता था तुम आओगे और आना बनता भी था। आखिर मैं तुम्हारा पहला प्यार जो हूँ। कोई पहला प्यार नहीं हो तुम, मेरी एक गलती हो बस, जो मैंने जाने अनजाने में कर दी थी और अब उसको मुझे सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। सर्वेश के इतना बोलते ही वहाँ वृंदा आ जाती है और उसको एक लड़की के साथ देखकर कहती है, तो तुम इसके लिए मुझे वहाँ छोड़कर आए? आखिर कौन है ये सर्वेश और क्या रिश्ता है इसका तुमसे? ओह माय गॉड, ये इतनी खूबसूरत सी लड़की कौन है? तुमने इसे भी फंसा लिया क्या अपने झूठे प्यार के जाल में, जैसे मुझे फंसाया था? देखो लड़की, ये इंसान एक नंबर का जालसाज इंसान है। मैं इसकी पहली प्रेमिका हूँ, या शायद पहली नहीं, पता नहीं कौन से नंबर की। तो बेहतर होगा अपनी सुरक्षा के लिए इससे दूर हो जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सर्वेश, मैं जा रही हूँ। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, जरूर कोई बात है इसमें। मुझे इसके कंधे पर हाथ रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। वृंदा रुको, ये झूठ बोल रही है, मैं बताता हूँ तुमको इसकी सच्चाई, मेरी बात तो सुनो। तुमने इस लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला था, तो कुछ तो गलत है ही तुम्हारे बीच, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? जा रही हूँ मैं। वृंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर सर्वेश बोलता है, तुम्हारी वजह से वो पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा करके गई है, तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा, चलो गाइस यहाँ से। सर्वेश भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और किसी सुनसान जगह गाड़ी रोककर गुस्से में अपने दोस्तों के संग बहुत ड्रिंक करता है। तो वहीं दूसरी तरफ वृंदा, जिसका प्यार में दिल टूटा, वो खुद को अपनी कमरे में बंद कर कर रो रही होती है। तभी वहाँ वीर आता है और वृंदा के घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, वृंदा तुम ठीक तो हो ना? वृंदा दरवाजा खोलो, मैं हूँ नित वीर। वृंदा अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोलती है और सामने वीर को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें गुस्से में घर आता देखा तो लगा कुछ हुआ है, इसीलिए पूछने आ गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता मैं रो रही थी? ये तुम्हारी आंखें बता रही हैं, जो अभी भी आंसुओं से नम है। अब बताओ क्या हुआ है, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद भी ना कर पाऊँ, लेकिन तुम्हारा दिल तो हल्का होगा मुझे बताकर। वीर के इतना बोलते ही वृंदा उसके गले लग जाती है और रोते रोते उसे सारी बातें बताती है। वीर उसकी बातें सुनकर उसको चुप कराते हुए बैठाता है और पानी का ग्लास देते हुए कहता है, देखो जरूरी नहीं कि जिसे हम अपना माने वो भी हमें अपना माने, और प्यार इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, तो तुम अब ये मत सोचो और भूल जाओ उसे। शायद तुम सही कह रहे हो। वृंदा इतना बोलती ही है कि तभी दरवाजे से घायल सर्वेश उसके घर आता है और वृंदा के कदमों में गिरता हुआ बोलता है, वृंदा मुझे बचा लो, वो एक राक्षस मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो वृंदा प्लीज। सर्वेश ये हालत तुम्हारी किसने की? बताओ सर्वेश क्या हुआ है तुम्हें? बाहर एक राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया, वो मुझे मार देगा वृंदा। तुम्हें कुछ नहीं होगा वीर, तुम इसका ध्यान रखो और बाहर मत आना, उस राक्षस को तो मैं देखती हूँ। लेकिन तुम कैसे? मैं संभाल लूंगी, तुम सर्वेश को संभालो। इतना बोलकर वीर सर्वेश को संभालता है और वृंदा बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक भयंकर सा राक्षस खड़ा होता है जो वृंदा को घूरते हुए बोलता है, आ गई नागलोक की राजकुमारी नागिन वृंदा, चलो सही है हमारा आमना सामना हो गया। तुम जानते हो कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन कैसे और सर्वेश को क्यों मारना चाहते हो? जानते नहीं हो क्या मेरी शक्तियों के बारे में? जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ, मुझे पता है ये सर्वेश नागलोक का होने वाला भावी राजा है, और अगर ये राजा बन गया तो हम राक्षस कभी नागलोक पर अपना राज नहीं जमा पाएंगे, इसीलिए मैं उसको मारना चाहता हूँ। और ये भी जानता हूँ तुम धरती पर उसी की तलाश में आई हो। चलो अच्छी बात है, अब सब जानते ही हो तो युद्ध कैसे नहीं होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। इतना बोलकर वृंदा धरती पर पहली बार अपनी नागिन अवतार में आती है और उस राक्षस पर पहला वार करती है, जिससे बचते हुए वो राक्षस बोलता है, नागिन वृंदा तुमने हमें कम आका है, माना हर बार राक्षस नागिनों से हारते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुमको ही हार का सामना करना पड़ेगा। जब नागलोक के भावी राजा रानी ही मारे जाएंगे तो नागलोक और नागमणि को बचाने वाला
कोई नहीं बचेगा। राक्षस और नागिन वृंदा का युद्ध होता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। तो वहीं कमरे में घायल सर्वेश को जब बिस्तर पर लेटाकर वीर बाहर आता है तो सर्वेश उसका हाथ पकड़कर बोलता है, कहाँ जा रहे हो वीर उर्फ नागनित्यंत? वृंदा ने तुम्हें मेरी सेवा के लिए यहाँ छोड़ा है। क्या बोला तुमने, नित्यंत कौन है ये? तुम हो भोले नागनित्यंत, जो अपनी नागलोक की प्रेमिका के लिए उसके पीछे यहाँ धरती लोक पर आ गए। लेकिन तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? कौन हो तुम? एक साधारण इंसान तो नहीं हो, तो बताओ कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने ये बात वृंदा को बताई कि मैं जानता हूँ कि वो एक नागिन है और तुम वीर नहीं नित्यंत हो, तो वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन तुम उसे धोखा देकर यहाँ रह रहे थे, इस बात पर वो जरूर तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ सकती है। तुम जो भी हो, इतना तो पता चल गया कि वृंदा को जिसकी तलाश है वो नहीं हो। लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा, फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। वीर के सामने सर्वेश का एक अलग ही चेहरा था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा और उस राक्षस के बीच हो रहा युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। वृंदा भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर एक अंतिम वार करके उस राक्षस को मृत्यु प्रदान कर देती है। अपने इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर जाती है और किसी तरह कमरे में पहुँच कर बोलती है, सर्वेश मैंने उसे मार दिया। वृंदा, वीर वृंदा को उठाकर बिस्तर पर लेटाता है और सर्वेश जो कुछ देर पहले घायल था अब खड़ा खड़ा तमाशा देखता है। वीर वृंदा की मरहम पट्टी करता है और जैसे ही वृंदा को होश आने को होता है तभी सर्वेश वीर को साइड कर खुद वृंदा के पास बैठ कर कहता है, तुम ठीक तो हो ना वृंदा? मैं तो डर गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं ठीक हूँ सर्वेश, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था। मैं ठीक हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ मनाने ही आ रहा था, पर तभी उस राक्षस ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि वो लड़की शुमोना, वो मेरी 2 साल पहले गर्लफ्रेंड थी और उसने एक दिन मेरी नशे की हालत का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत फोटोज खींच ली थी और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि मेरे पापा MLA है ना, अगर ये फोटो सामने आई तो उनकी बदनामी हो जाएगी। तो ये बात तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताई? तुम इतनी जल्दी में चली गई वहाँ से कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तुम ठीक तो हो ना? आखिर उस राक्षस को तुमने मारा कैसे? समय आने पर सब बताऊंगी सर्वेश। सर्वेश वृंदा को अपनी झूठी कहानी के जाल में फंसा रहा था। ये सब देख रहा वीर गुस्से में घर के बाहर जाकर खुद से कहता है, आखिर ये जालसाज है कौन? मुझे इसकी खबर नागराज और नागरानी को देनी होगी, शायद वो ही वृंदा को वापस बुला सकें। और अभी मैं वृंदा को नहीं बता सकता कि मैं नित्यंत हूँ, ऐसा करने पर वो मुझसे दूर हो जाएगी और मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वीर इतना बोलकर नागलोक की ओर प्रस्थान करता है, तो वहीं सर्वेश वृंदा की आंखों में धूल झोंकते हुए उसको अपनी झूठी बातों के जाल में फंसाए रखता है। लेकिन इसी बीच शिमोना, जिससे वीर इतना डरता था, वो अपने घर पहुंचकर एक अलग ही सोच में डूबी हुई कहती है, हो ना हो उस लड़की से मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो है, ना जाने क्यों उसको छूकर एक अपनेपन का एहसास हुआ, क्या वो वही है जो मैं सोच रही हूँ? आखिर शिमोना और वृंदा का क्या रिश्ता है और सर्वेश की सच्चाई क्या है? क्या समय रहते वीर वृंदा को इस षड्यंत्र से बचा पाएगा या होगा इस नागकन्या की कहानी का एक बुरा अंत? जानने के लिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में भी बने रहिए और अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। नारंगपुर गांव में अचानक ही एक सूखे पेड़ की सरकटी चुड़ैल का खौफ सा छा गया था। रात होते ही चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गांव में भटकती और उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारकर उसका सर गांव के बीचों बीच लगे सूखे से पेड़ पर टांग देती। ऐसे ही एक दिन गांव की एक औरत अपने बच्चे को चौखट के पास झोले में छोड़कर अंदर खाना बनाने लग जाती है। तेज गर्मी के कारण वो अपने बच्चे को बाहर ठंडी हवा में रोज ऐसे ही पालने में लेटा देती थी। तभी गांव का एक आदमी प्रताप
पूरे गांव में भागते हुए चिल्ला कर बोलता है, सब अंदर हो जाओ जल्दी जल्दी, गांव में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सूखे पेड़ की सरकटी चुड़ैल गांव में घूम घूम कर अपना बदला ले रही है, इसीलिए समय रहते सब अपने घरों में चले जाओ। प्रताप की आवाज सुनकर वो औरत भी जल्दी से अपने बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है और बाकी गांव वाले भी अपने अपने घरों में घुसकर सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। तभी चुड़ैल अपने हाथों में अपना ही सर लेकर गांव में घूमते हुए एक घर के दरवाजे को खटखटाते बोलती है, बचाओ कोई बचाओ, गेट खोलो वरना वो चुड़ैल मुझे मार देगी। चुड़ैल ने जिस घर का दरवाजा खटखटाया था उस घर में रहने वाली औरत दरवाजे पर गांव की किसी औरत को समझकर दरवाजे को खोली जाती है। तभी उसका पति विनोद उसे रोकते हुए बोलता है, क्या कर रही हो, बाहर जो भी है उसको तो चुड़ैल मारेगी ही, अगर तुमने दरवाजा खोला तो वो हमको भी मार देगी। तो क्या, हमें खुद नहीं पता हमारी मौत कैसे लिखी है, अगर हमने किसी की जान नहीं बचाई तो हमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं होगा। हमें गेट खोलकर इस औरत को अंदर बुला लेना चाहिए, कम से कम किसी की जान बचाकर एक पुण्य तो कमा लें। विनोद अपनी पत्नी की बात सुनकर उस औरत को अंदर लाने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके सामने सर कटी हुई चुड़ैल होती है, जो उसे अपने हाथ में लिए हुए सर को हंसते हुए देखती है। विनोद डर कर हड़बड़ी में दरवाजा बंद करने लगता है। अपने हाथों से वो दरवाजे को पकड़ कर अंदर आ जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ छल करा, अब तुम्हारी मौत निश्चित है, दोनों को अपनी जान मुझे देनी पड़ेगी। चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी की गर्दन को काट कर सूखे हुए पेड़ पर ले जाकर लटकाती है, जिसके बाद ऐसे ही वो पूरे गांव में अपना कटा सर लेकर घूमती है और लोगों का सर काट काट कर पेड़ से टांगती रहती है। सुबह होते ही सब लोग बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसके बाद कल्याणी, प्रताप सिंह और शमशेर सिंह आपस में बात कर रहे थे। तभी प्रताप बोलता है, विनोद और उसकी पत्नी को भी मार दिया, ये चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए एक एक करके सबको मार रही है। मैं अभी अभी बरगद वाले रास्ते से जा रही थी, वहाँ पर दोनों की गर्दन टंगी हुई थी, शुक्र है भगवान का मैं तो आज बाल बाल बच गई। अरे हमारा तो गेट भी खराब है, कल रात तो मैं भी मारी जाती अगर चुड़ैल अंदर आ जाती, आज सुबह मेरा भी सर उसी पेड़ पर टंगा होता। मैंने तो अभी तक कोई चुड़ैल नहीं देखी, तुम लोग सच बोल रहे हो ना, या फिर कोई चुड़ैल है ही नहीं? हम क्या झूठ बोल रहे हैं, जाकर पेड़ पर देखा, दोनों बेचारे पति पत्नी मारे गए और उनके सर वहाँ लटके हैं। अरे भाई तू तो अभी नया आया है, लगता है चुड़ैल के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है रात को। हाँ भाई हूँ तो नया, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी चुड़ैलों को कभी देखा नहीं, सिर्फ कहानियों में सुना है, सच में ऐसा होता है क्या? हाँ भाई 4-5 साल पुरानी बात है। नारंगपुर गांव में एक ढोंगी औरत रहती थी, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर काला जादू करती थी और खुद को सिद्ध सन्यासी बताती थी। गांव के लोगों में इतना अंधविश्वास था कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए अपने ही घर की बच्चियों और दूसरे की बच्चियों का बलिदान दिया करते थे। लोग पहली संतान लड़की होने पर उसकी बलि देकर पुत्र की प्राप्ति की उम्मीद करते, लेकिन काले जादू के कारण ना तो लोगों को पुत्र प्राप्ति हुई और तो और वो अपनी हुई संतान की जान भी खुद ही ले रहे थे। इस घटना से कुछ ही समय में गांव में हाहाकार मच गया, सभी गांव वाले उस ढोंगी औरत का सच जान चुके थे और शिकायत लेकर सरपंच के पास जाते हैं, जिसके बाद सरपंच और उसके बेटे ने न्याय करते हुए उस औरत के सर को धड़ से अलग कर दिया, धड़ को गांव के बीचों बीच उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया जहां बैठकर वो तंत्र विद्या करती थी, और उसके सर को उसी पेड़ पर लटका दिया ताकि आगे से कोई ऐसा अंधविश्वास ना फैलाए। लेकिन मौत के बाद भी वो उस औरत को रोक नहीं पाई और वो एक सरकटी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जो वापस लौटकर सब लोगों से अपना बदला ले रही थी। अच्छा तो ये कहानी है चुड़ैल की, यह फिर से बदला लेने आई है,
लेकिन इसका शरीर तो मिट्टी में गाड़ दिया गया था, तो फिर ये वापस कैसे आई? अरे कुछ टाइम पहले गांव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, शायद तभी निकल गया होगा इसका शरीर। अच्छा चलो भाई, अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं शाम होने से पहले, वरना वो चुड़ैल फिर आ जाएगी। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद रात होते ही रोज की तरह सब अपने अपने घर में अंधेरा कर जल्दी सोने लगते हैं। शमशेर अपनी पत्नी को उस चुड़ैल के बारे में सब बताता है। शमशेर और उसकी पत्नी मिलकर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ देर में गांव में चुड़ैल के आते ही माहौल बदल जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाओं के साथ पेड़ हिलने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने हाथ में लिए सर से गांव के हर एक घर पर नजर मारती है और सबको घरों में बंद देखकर बोलती है। मुझे इंसानों के शरीर की खुशबू आ रही है, मैं आ गई हूँ अपना पतला लेने, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। ऐसे ही चुड़ैल सबके दरवाजे के बाहर से हंसती हुई अपना शिकार ढूंढने लगती है और रात के समय गांव में आने वाले हर इंसान को मारकर वो पेड़ पर उसका कटा हुआ सर लटका देती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, कोई उस चुड़ैल को रोक तक नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन प्रताप और शमशेर सिंह आपस में बातें कर रहे थे, तभी शमशेर बोलता है, अरे भाई प्रताप, हम सब कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को कुछ करना पड़ेगा, वरना एक दिन वो सूखे पेड़ की चुड़ैल हम सबको अपने पेड़ पे फल की तरह सजा देगी। हाँ तुम सही बोल रहे हो, सरपंच को जाकर बताना चाहिए, वही कुछ हल निकालेंगे। इतना बोलते ही शमशेर और प्रताप सरपंच के घर आते हैं और उसे जाकर बोलते हैं, सरपंच जी आपको तो सब पता है सूखे पेड़ की सरकटी चुड़ैल के बारे में, अब वो सबके सर काट काट कर बदला ले रही है, हमें उसे मुक्ति पाने के लिए कुछ करना ही होगा। सरपंच सभी गांव वालों के साथ सलाह करके एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा को बुला कर लाता है, जो गांव में आकर उस पेड़ को काटने की सलाह देते हैं। दिन के समय जब चुड़ैल की शक्तियां सबसे कम होती है, तो बाबा गांव वालों के साथ उस पेड़ को मंत्रों से अभिमंत्रित करके चुड़ैल को उसके अंदर ही बंद करके पेड़ को आग लगा देती है, जिसके बाद से उस सूखे पेड़ के साथ उस सरकटी चुड़ैल का भी हमेशा के लिए खात्मा होता है और गांव के लोग अब से उस चुड़ैल जैसी किसी भी औरत या आदमी को अपने गांव में अंधविश्वास नहीं फैलाने देती।